मसक कर लीजिए सर, बिल्कुल क्या खूब लग रहा है ये देख रहे हैं भाई, बहुत छोटी होगी और इसकी टेल जो होगी उसके सर से ऊपर जाएगी। ये देखो कितने बड़े मुश्किल से आपको इसका फेस ढूंढना पड़ेगा, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आमिर खान। तो दोस्तों आज के नजारे कुछ ऐसे हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं फैंसी चिकन्स की ब्रीड्स के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे इंडिया में देसी चिकन्स होते हैं और फार्मी चिकन्स होते हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई इसके अलावा और कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं? तो वही चीज आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, भाई चाइना से लेकर अमेरिका तक की कितनी तरह की ब्रीड्स होती हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर बिलाल भाई के पास में। तो बिलाल कलेक्शन भाई अपने पास तकरीबन 40 से 50 बर्ड्स हैं, 7 से 8 ब्रीड होंगी लगभग, उन ब्रीड्स में अलग अलग वैरायटीज हैं। तो अभी शुरू किससे कर रहे हैं अपन भाई? टर्किश ब्रीड है सुल्तान। टर्किश ब्रीड जी, देखिए टर्किश ब्रीड किस तरीके से नजर आ रहा है भाई, देखिए काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ऊपर साइड में तो इसका ये देखो कितने सारे बाल हैं और नीचे पैरों में भी लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल कबूतर की तरह नजर आ रहा है। एक जो कबूतर आता है ना उसका नाम याद नहीं है, मसक कर लीजिए सर, बिल्कुल क्या खूब लग रहा है। इसके बारे में बताएंगे क्या तकरीबन इसका प्राइस वगैरह अपना भाई? इसका प्राइस चिक्स मान लिया आप 1200 to 1300 रुपीज पीस में चिक्स सेल होते हैं। अच्छा 1200 से 1300 रुपए के चिक्स सेल होते हैं, इसके बच्चे जो होते हैं जी, ठीक है। दो बच्चे ये हैं आप देखना। अच्छा उसी के बच्चे हैं ये, देखो यहाँ पर बच्चे भी घूम रहे हैं छोटे छोटे, एक हाथ में आएगा क्या देखना भाई, सुल्तान की तरह देखने वाला एक तरीके से। ये है अपना कितने महीने पुराना है? ये 5 महीने का, ये सेमी एडल्ट है। पूरा एडल्ट होने में कितना टाइम लगता है भाई? ये 7 से 8 महीने में मेल एडल्ट हो जाता है और फीमेल 6 महीने में एडल्ट हो जाता है। अगर ये फुल एडल्ट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या प्राइस आता है फिर अपना भाई? 15 to 20,000 यानी 15 से 20,000 रुपए तक के आप इसके पैर ले सकते हैं। सिर्फ पैर या पूरी मुर्गी? पैर। काफी अच्छा लग रहा है इसको बिठाने का, देखो तो बड़े शानदार है। ये बिलाल भाई खुद रखूंगा घर के लिए पर्सनली, इन्होंने बताया कि इनके इसकी क्या वो मुर्गी गई ना, फीमेल को बिल्ली ले गई, फीमेल को बिल्ली ले गई तो काफी नुकसान होगा। कितने रुपए का नुकसान हुआ? ये तो थोड़े छोटे थे, 5,000 रुपए का आप मानिए, मतलब 5,000 रुपए की दावत हो गई बिल्ली के, आप बताइए। ये अपने पास आ चुकी दूसरी ब्रीड, क्या नाम भाई इसका? भाई ये बेल्जियम की ब्रीड है। बेल्जियम जी, बेल्जियम। इसके ब्रीड का नाम है बरबूडी अकल। बरबूडिया, बरबूडी अकल, लेकिन लोग इसे मिली फ्लेयर के नाम ज्यादा जानते हैं। इसमें अलग अलग कलर आते हैं। अच्छा। ये पैट्रिज मिली फ्लेयर से बोलेंगे। अच्छा। जी ये पैट्रिज मिली फ्लेयर, इसके देखिए आप देखेंगे। हाँ। देखिए यहाँ बियर्ड आती है। अच्छा इनकी दाढ़ी होती है जी, इनको फॉरेन में बियर्डेड बेंटम्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बियर्डेड बेंटम्स। अच्छा दाढ़ी वाले बेंटम, ऐसा कुछ ना। ये हाइट है आप देख लो भाई, इससे ऊपर नहीं होता फुल एडल्ट होने के बाद। 6,000 रुपए का पेयर है ये। 6,000 रुपए का पेयर पड़ेगा ये पेयर है। ब्रीड वही है। हाँ। कलर दूसरा है ये। इसे मिलीफ्लियर्स जी कितने, मतलब मिलियंस ऑफ फ्लावर्स, मिलियंस ऑफ फ्लावर्स जी, क्योंकि इसके जो पैटर्न आता है आगे आप देखेंगे इसके हर फेदर के एंड में वाइट स्पॉट आएगा फ्लावर्स की तरह। अच्छा इसकी फीमेल भी है, ये फीमेल है इसकी। इसको भी वही बोलेंगे, क्या नाम बताया? मिलीफ्लियर्स। मिलीफ्लियर्स जी। इस कलर को बोलते हैं पोर्सलिन कलर। ये उसी ब्रीड का आ गया है, दूसरा कलर होगा जी। इसका कलर का नाम क्या है? कलर का नाम पोर्सलिन है। अच्छा इसके फेदर्स देखें आप, पर पैरों पे काफी बड़े बड़े बाल आते हैं। वो जो बड़े एडल्ट है उनके भी इससे बड़े बाल हैं, लेकिन वो ब्रीड करते हैं तो रुक ही नहीं रहे यार, उड़ उड़ आ रहा है भाई। देख रहे इस तरीके से ऑडिशन होते हैं मुर्गा मुर्गियों की भी, कमाल देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अब आपको दिखा रहे हैं कि खास, मतलब मुझे सबसे ज्यादा अलग ही अजूबा देखने वाली चीज है बिना मुंडी का सर। देखिए मुर्गा, इसका मतलब सब ढूंढना पड़ेगा आपको, इतने ज्यादा वाले पास आकर दिखाना भाई। देखो ये है मुर्गी है ना, ये फीमेल है, फीमेल नहीं है। इसका फेस, इसका फेस देखो कैसे निकालना पड़ेगा, ये फेस है। ये देखो कितने बड़े मुश्किल से आपको इसका फेस ढूंढना पड़ेगा। इसके ब्रीड का नाम क्या भाई? भाई ये फ्रीजल पॉलिश, फ्रीजल पॉलिश के, ये पोलैंड की ब्रीड है। अच्छा पोलैंड जी, पोलैंड ब्रीड है। और इसके एक मिनट, तो ये होगा अपना मेल, ये मेल है। इसके भी काफी बड़े बड़े बाल हैं, मतलब ये सर सभी के बचपन से ढके रहते हैं जी, बचपन से, बचपन से इतने बड़े नहीं होते। हाँ। धीरे धीरे बढ़ते लेंगे। डॉग्स में भी ऐसी कोई ब्रीड आती है जिसके भी सर ढका होता जी, है जी जी ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है ये देखने में। देखो बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, कैसा दिख रहा है यार, आप लोग देखिए दोस्तों, मतलब अच्छा इसके पर उल्टे कर दिए ऐसा लग रहा है। हाँ जी फ्रीजल, ऐसा ऐसा ये दो तरीके की ब्रीड इसमें आती है। हाँ, सही है। तो एक के पर जो होते हैं पीछे की तरफ होते हैं और एक के आगे की तरफ होते हैं। ये वाले के जो होंगे उसका मुंडी दिखती होगी? नहीं नहीं उनकी मुंडी दिखती है, ज्यादा नहीं दिखती। अच्छा उसकी कम दिखती होगी, लेकिन इसकी तो पूरी नहीं दिख रही है जी।
ये कहानी है भाई, पोलैंड की ब्रीड है पॉलिश केप। और इसका प्राइस की बात करें तो भाई क्या आएगा इनका? इसका प्राइस 12,000 रुपीस आस्किंग है। अच्छा जी, स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा। अच्छा पेयर की बता रहे हैं ना? जी पेयर के प्राइस तो 12,000 रुपए भाई इसका प्राइस बता रहे हैं, और नेगोशिएबल भी हो जाएगा। ये एग लेइंग पेयर है। अच्छा जी, इसके बच्चे भी थे मेरे पास अभी, वो सेल हो चुके हैं। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई इसका, भाई देख रहा हूँ कितनी अलग अलग क्वालिटी की चिक्स नजर आ रहे हैं। शो पीस के हिसाब से पाली जी, जी, लोग रखते हैं ये, इनको बनाए इसलिए गया, ये सब ऑर्नामेंटल चीज है। बाकी खाने पीने तो वो सबका सेम होता है ना, बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका, 12,000 आप खा सकते हो तो खा लें। अच्छा तो अभी हमारे पास है जापान की ब्रीड है ना, जापानीज बेंटम बोलते हैं। देखिए दोस्तों इसकी टेल को देखिए कितनी हाइट ऊपर जा रही है, इसको खड़ा करना। इसकी भाई और मतलब खासियत यही है। अच्छा, इसकी हाइट बहुत छोटी होगी और इसकी टेल जो होगी उसके सर से ऊपर जाएगी। आप देखिए भाई हाइट। अच्छा मैं हाथ लेके जा रहा हूँ, गलती हो गई, सॉरी। हाथ इनके पास लेकर ही नहीं जाना है भाई, हाथ लेकर गए तो उड़े। बड़ा मुश्किल है भाई मुर्गा मुर्गी को घुमाना। देखिए दोस्तों आप इसकी हाइट देख सकते हैं कितनी छोटी है, और इसकी टेल कितनी ऊपर जा, सर से तो काफी ऊपर जा चुकी है यार। मतलब एक तरीके से कहते हैं मोर का ऐसा कुछ लेकर आ रहा है ना। भाई इस ब्रीड की क्वालिटी यही है, इसकी हाइट बहुत छोटी होगी और इसकी जो टेल होगी वो सर से ऊपर जाएगी। सर से ऊपर जी। तो ये अभी मैक्सिमम अपन कह सकते हैं फुल एडल्ट पे है। ये फुल एडल्ट है, फुल एडल्ट, इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होगा। तो आप क्या इनके अंडे वगैरह भी सेल करते हैं या फिर? भाई अंडे नहीं, इनके चिक्स सेल करते हैं। अच्छा चिक्स सेल करते हैं। तो इसका क्या प्राइस आ रहा है भाई? 7,000 रुपीज प्राइस है पेयर का। जी पेयर का 7,000 रुपए का पेयर ले सकते हैं इनका। अभी आ चुके अपने पास भाई अमेरिका, अमेरिका की ब्रीड से, और इसका नाम क्या है भाई? अमेरिकन कोचिन। अमेरिकन कोचिन जी। तो इसकी खासियत क्या है अपनी? भाई इसकी जो फेदर्स होते हैं, लेग्स पे फेदर्स होते हैं काफी बड़े। अच्छा और ये एकदम पूरी बॉल की तरह, इसकी टेल जो होती है पूरी बॉल की तरह, मतलब पूरी गोल होती है, मतलब पूरा गोल रखा हुआ है। बॉल्स बॉल्स कह सकते हैं, फुटबॉल कह सकते हैं। नीचे छोड़ के दिखाता हूं दोनों को। अच्छा इसको आप देखिए इसके पैर वगैरह कितने ज्यादा हैं। अच्छा इनका क्या प्राइस आएगा तकरीबन? भाई इनका प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है, ये 13,000 रुपीज में मैं आपको चारों चीजें सेल कर दूंगा। चारों चीजें मतलब? तीन फीमेल एक मेल। अच्छा अभी हमारे पास में है इटली की ब्रीड। इटली की कौन सी है भाई ये? भाई इसे बटर कप के नाम से जाना जाता है। बटर कप जी, बटर कप के नाम से इसलिए आता है, इसके जो सर पे ताज आता है हाँ। ये पूरा बटरफ्लाई बन जाता है बड़े होके। बटरफ्लाई बन जाता है मतलब पूरा बटरफ्लाई तरह शेप लेता है, सब खुल जाएगा की तरह, एक तरीके जी, तितली की तरह। अब इसे बैक साइड से देखेंगे हाँ। तो बैक साइड से आपको बहुत प्रॉपर व्यू आएगा। अभी मतलब भी प्रोग्रेस में कह सकते जी, ये सेमी एडल्ट है, सेमी एडल्ट है। कितना टाइम लगेगा इसमें? ये लगभग मान लीजिए 3 से 4 महीने और लेगा। ये मेल है, इसी फीमेल अंदर है। तो इसका क्या प्राइस ज्यादा अपना जोड़ है? इसका प्राइस 6,000 रुपीज। 6,000 रुपए की पेयर पड़ेगी आपको। तो अभी हमारे पास है कोलंबिया की ब्रीड, क्या नाम है इसका? भाई ब्रह्मा, ब्रह्मा ये ब्लैक ब्रह्मा है। अच्छा। ये कोलंबिया की ब्रीड है। अच्छा। ये अभी चिक्स हैं, सिर्फ 2 महीने के चिक्स हैं, और माशाल्लाह इनकी आप हाइट और हेल्थ देखिए। 2 महीने के हिसाब से आप देखेंगे हाइट काफी ज्यादा हो चुकी है, बल्कि जो बाकी ब्रीड्स की होती है वो फुल आने में तकरीबन 1 साल लगा देती है, वो इतने बड़े, वो 2 महीने के अंदर। तो इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है भाई? मैक्सिमम हाइट 27 इंच 28 इंच, मतलब 2 से 2.5 फीट तक की हाइट चली जाती है। 2.5 फीट से ऊपर हाइट। ये वर्ल्ड की सबसे चिकन के अंदर फैंसी ब्रीड देखा जाए सबसे बड़ी ब्रीड यही होती है, जो सबसे बड़ी हाइट लेती है। तो इसके प्राइस की बात करें तो क्या आएगा भाई इसका तकरीबन? भाई ये 7,000 रुपीस पेयर है, मेरे पास 2 पेयर हैं, ये अच्छा, चिक्स हैं। अच्छा और इनका एडल्ट जो होते हैं वो मानिए 30,000-40,000 रुपए पेयर सेल होता है। अच्छा अगर ये फुल बड़े हो जाते हैं एडल्ट होने के बाद तो 30,000-40,000 रुपए का आपको जोड़ पड़ता है। काफी महंगी ब्रीड पड़ती है, सबसे महंगी ब्रीड, सबसे महंगी यही क्यों पड़ी? 40,000 रुपए की। नहीं मैं आमिर भाई चिकन फार्म डाल लेंगे अपना। हाय दोस्तों काफी ज्यादा ब्रीड अपन ने यहाँ पर देखी, मतलब अमेरिका से लेके चाइना से लेके कोलंबिया और टर्की इटली वगैरह इतने तरह की ब्रीड्स भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, और चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो कितने तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे भाई देखो यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर ब्रीड्स रखी हुई हैं। और यहाँ पर तो ये भाई इन सारे ब्रीड्स के चिक्स हैं मेरे पास। ये सारे चिक्स नीचे घुसे हुए माँ के। ये कौन सी उसकी? ये सब सारे ब्रीड्स हैं जिनको यहाँ पर देखे अभी। हाँ एक तो ऊपर चढ़ के बैठा है, ये मुर्गी कड़क नहीं होती, मतलब अंडों पे नहीं बैठते ये। अच्छा तो उसके लिए हम देसी मुर्गी परचेस करके हाँ। उसमें सारे अंडे रख देते हैं। अच्छा। तो बच्चे निकले तो बच्चे साथ रहते हैं ये। तो ये चीज़ भाई थोड़ी यूनिक लगी देखने में, जैसे कि भाई जिस ब्रीड का अंडा होता है तो वही मुर्गी बैठती है अक्सर। तो लेकिन भाई क्या है थोड़ा अलग है कि मतलब देसी मुर्गी को सबको इकट्ठा करके वहाँ पे बैठा के रखा है यहाँ पर सब। ये सारे चिक्स हैं इनके, अभी अंडे पे बैठा लो उसको। नहीं अंडे पे बैठी हुई है अभी। ये देखो ये कौन से वाले अंडे? ये सारे ब्रीड्स के अंडे सब मिक्स हैं यहाँ पर। तो मतलब कि सबका मिक्स करके वो भाई अंडे इकट्ठे कर दिए और देसी मुर्गी को बिठा दिया। कितने दिन में अंडे गुड़ जाते हैं भाई?
भाई 21 days, मतलब 21 दिन लगते हैं अंडे से बाहर आने में। एक अंडे का साइज देखें, एक कुछ निकला अभी साइज दिखा रहा हूँ आपको, इटालियन बटर कप का एग है। अच्छा, ये बहुत छोटा साइज है, इटालियन। देखिए मैं इसे हाथ में रखूंगा तो बहुत छोटा साइज है अंडे का ये। जिस भाई को ब्रीड चाहिए हो, जो भी ब्रीड चाहिए हो, मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, मैं उन्हें वो ब्रीड अवेलेबल करवा दूंगा एक हफ्ते के अंदर। तो मतलब भाई के पास जो अभी कलेक्शन है, इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरा चाहते हैं तो वो ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं, भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी कुछ यूनिक आइडियाज हो तो आप वो भी सजेस्ट करिएगा, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।